नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोचिंग सिटी के रूप में जाने वाली सिटी अब एक नेक काम के लिए याद की जा रही है। हमेशा लोगों ने पुलिस का खौफनाक रूप ही देखा है। आम जन में पुलिस की जो छवि है वो बिल्कुल सख्त मिजाज, नियम कायदों की बात करने वालों की और एक डर पैदा करने वाली होती है। लेकिन कोटा पुलिस के इस कार्य के बाद पुलिस का एक अलग रूप लोगों के सामने आया है और ये रूप यकीनन आमजन में विश्वास पैदा करने वाला है। कोटा के कैथुनी पोल पुलिस थाना स्टाफ ने अनूठी पहल कर सबका दिल जीत दिया। थाना स्टाफ ने थाने की मेस में गत 8 साल से बतौर लांगरी की सेवा दे रही महिला की बेटी की शादी में मामा बनकर मायरा भरा है। इस मायरे में थाना स्टाफ 80,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर मानवता का बड़ा संदेश दिया है। थाना स्टाफ के सराहनीय कदम के उच्चाधिकारियों ने भी प्रशंसा की है। थाना प्रभारी सत्यपाल पारिक ने बताया कि थाने में पुलिसकर्मियों के लिए खाना बनाने के लिए महिला लांगरी तैनात है। वह पिछले 8 साल से पुलिसकर्मियों के लिए हर रोज खाना बनाने के लिए आती है। वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। हाल ही में वह अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए आई। साथ ही पुलिसकर्मियों ने थाना स्टाफ की ओर से दी जाने वाली मदद के बारे में चर्चा की गई। इस पर सभी ने खुले दिल से मदद देने का प्रस्ताव दिया। थाने के सभी पुलिसकर्मियों ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार शादी के लिए राशि भेंट कर 80,000 रुपए एकत्रित कर लिए। उसके बाद सभी पुलिसकर्मी लड़की के मामा बनकर गुरुवार को लांगरी महिला के घर गए। वहां मायरे के तौर पर उसको यह राशि भेंट की। बकौल पारिक, महिला की 3 बेटियां और 1 बेटा है। कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को शिक्षित करने का अथक प्रयास कर रही है। महिला के पति का देहांत हो चुका है, ऐसे में पूरे परिवार का पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी यह महिला पूरी शिद्दत से निभा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों के जहन में पुलिस की सख्त छवि बसी हुई है, लेकिन पुलिसकर्मियों के भी जज्बात और संवेदनाएं होती हैं। बस वे काम के दबाव में उन्हें लोगों के सामने रख नहीं पाते। लांगरी की बेटी की शादी में जो पहल की है उससे पूरा थाना स्टाफ काफी प्रसन्न है। उम्मीद है कि भविष्य में भी लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएंगे और उनकी खुशियों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।